हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने दूसरी बार राष्ट्रीय खिताब जीतकर रचा इतिहास। हिमाचल की सीनियर महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय विजेता का खिताब जीता है। हिमाचल की महिला टीम दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी है। चरखी दादरी हरियाणा में हुई सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में इस खिताब को जीतने के बाद हिमाचल की विजेता महिला टीम मंगलवार को हरियाणा से बिलासपुर पहुंची। विजेता टीम के सभी सदस्यों का हिमाचल एमचे और कबड्डी संघ ने बिलासपुर में जोरदार स्वागत किया। एमचे और कबड्डी संघ के प्रदेश महासचिव कृष्ण लाल की अगुवाई में संघ के सदस्यों व अन्य कबड्डी प्रेमियों ने टीम के सदस्यों को फूलमालाओं से लाद दिया। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जलूस की शक्ल में टीम के सदस्यों ने सर्वप्रथम बिलासपुर के नगर देव बाबा नाहर सिंह बजिया के मंदिर धौररा में माथा टेका व इसके बाद इस टीम के सम्मान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला रौड़ा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी रवि शंकर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों को हिमाचली टोपी भेंटकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उनकी मेहनत में इस खिताब को जीतकर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ाया है। वहीं बिलासपुर कबड्डी संघ के महासचिव विजय पाल चंदेल ने बताया कि हिमाचल ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया व इस प्रतियोगिता में हिमाचल की लड़कियों ने 16 मैच खेले। इन सभी मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की टीम ही एक ऐसी टीम है जिसने महिला कबड्डी में सबसे सशक्त टीम रेलवे को 2 बार पटखनी दी है। इससे पहले वर्ष 2017 में हिमाचल की टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। वहीं एमचे और कबड्डी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार ब्रांगटा ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि बिना भेदभाव से सही तरीके से किए गए टीम के चयन का इस जीत में प्रमुख हाथ है। हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन सही चयन न होने के कारण प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच नहीं पाती थी। हिमाचल की इस विजेता टीम ने फाइनल मैच में रेलवे की सशक्त टीम को मात्र 2 अंकों से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। हिमाचल ने यह मैच 33-31 अंकों के अंतर से जीता। इससे पूर्व सेमीफाइनल मैच में हिमाचल की कुड़ियों ने अपने सशक्त प्रतिद्वंद्वी हरियाणा की टीम को 5 अंकों से पराजित किया। मेरा नाम कृष्णलाल जल शक्ति हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा को इधर सपोर्ट करा। सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने प्रेसिडेंट और एसोसिएशन के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जो इस समारोह में भाग लिया सभी ने और इन बच्चों का हौसला बधाई करी। और हमारे जो बच्चे थे इतनी एनर्जी से इस टूर्नामेंट को खेला कि जिस लास्ट में हमारे को जो रिजल्ट मिला वो एक गोल्ड मेडल का मिला। सेमीफाइनल में हमारा मैच जो था होस्ट टीम के साथ था, हरियाणा के साथ, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट चलते रहे और लास्ट में हम 5 पॉइंट से हमने विजय प्राप्त करी। और जो फाइनल मैच था हमारा रेलवे टीम के साथ था, जिन का रिकॉर्ड हमारे बच्चियों ने, उन्होंने 2018 में 39 साल के बाद हमने उनसे मेडल छीना था और 2022 में दोबारा उन्हीं बच्चियों को हमने मात दी। इन बच्चियों ने इतनी एनर्जी से खेला कि हम 2 पॉइंट से जीते फाइनल मैच। और जो हमारा अभी जो अगला टारगेट है वो अप्रैल लास्ट वीक में है, तो दोबारा 2022 का टूर्नामेंट है, उसमें हम हैट्रिक बनाना चाहते हैं। हमें बच्चियों को भी दोबारा अभी बधाई देना चाहते हैं कि और एडवांस में हम उस टूर्नामेंट को भी दोबारा जीते। और ये बधाई के पत्र हमारे जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट है राजकुमार रांटा जी, वो बधाई के पात्र है जो हमारे को हर एक जगह सपोर्ट करते रहते हैं और एसोसिएशन को साथ लेके चलते हैं। और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार चंदेल जी, उनका इसमें बहुत योगदान है। और हमारे जो साई के कोच हैं, वरिष्ठ कोच हैं, रिटायर हो चुके हैं और इनका इन बच्चियों के लिए बहुत योगदान है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हिमाचल प्रदेश वुमेन कबड्डी टीम ने रेलवे की टीम को दूसरी बार हराया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है।
और हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे कोचेज ने हमारी बहुत मेहनत करवाई है, पूरी टीम ने बहुत ही एनर्जी के साथ खेला है और जिसका रिजल्ट कि आज आपके सामने है। हिमाचल की टीम रेलवे को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये पहली बार नहीं है, दूसरी दफ़ा है कि हमने रेलवे की टीम को हराया है और एक इतिहास बनाया है। टीम ने बहुत अच्छा खेला है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे जो हमारा टूर्नामेंट रहा है उसकी जो सबसे अच्छी रेडर रही है वो हिमाचल की टीम की पुष्पा राणा है। इसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रेड में पॉइंट लिए और डिफेंस में भी हिमाचल की ही लड़की साक्षी शर्मा ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं। तो ये हमारे लिए अपने आप में ही एक गौरव की बात है कि जो भी जितना भी पूरा टूर्नामेंट में जितने भी मैचेज हुए उसमें हिमाचल की लड़कियों ने सबसे अच्छे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए है। तो टीम में सभी लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसका रिजल्ट कि आज आपके सामने ही है। कि आगे भी हर बार की तरह ही हम आगे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे। हिमाचल की कबड्डी टीम हर कैटेगरी में मेडल ले रही है, सब जूनियर ले लो, जूनियर नेशनल ले लो, खेलो इंडिया ले लो, यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी की टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसका पूरा श्रेय हमारे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को जाता है क्योंकि एसोसिएशन का हमेशा से बहुत ही अच्छा रोल हमारे पीछे रहता है, एक बैकबोन की तरह हमें हमेशा एसोसिएशन का सपोर्ट रहता है और एक फेयर सेलेक्शन के साथ हमारी टीम नेशनल लेवल पर खेलने जाती है और उस फेयर सेलेक्शन की वजह से आज आप देख रहे हो कि रिजल्ट हर कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है।